अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एफ के आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कंवल आज आप लोगों को इटालियन डोर के फ्लावर से ये मग बनाना बताऊंगी। मैंने दो तीन मग के ट्यूटोरियल पहले कर चुकी हूँ, लेकिन रमज़ान है, किसी को गिफ्ट देना, अपने घर को डेकोर करना, क्योंकि मैं रमज़ान स्पेशल कर रही हूँ, तो आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत मग बनाना बताऊँगी। तो फिर चले आइए बनाना स्टार्ट करते हैं, और हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं बता देती हूँ आपको। डेकोर के लिए हमें सबसे पहले कप चाहिए, आप कोई सा भी कप ले सकती हैं। मैं आपको वहाँ ले चलूँगी जहाँ हमने ये कप लिए हैं। घर में आपके पास कोई फ्री कप हो जिसका सेट ख़राब हो गया हो या कोई डैमेज हो, लेकिन मैं आपको एक ऐसी मार्केट की सैर कराऊँगी जहाँ आपको ऐसे कप भी बहुत रिजनेबल प्राइस पे मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आर्ट्स एंड क्राफ्ट से रिलेटेड। तो फिर उस वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। आज हम कप बना रहे हैं, तो आप इसको चाहे तो ऐसे ही रहने दें और इस पे हम कोई चीज़ इटालियन डोर के फ्लावर्स डेकोर कर लेंगे, या फिर आप इस पे ब्लैक पेंट कर दें, चाहे ब्लैक कर लें, कोई और कलर का कर लें। आज हम इस ब्लैक कप को डेकोर करेंगे, और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो एक कप है, उसके अलावा ये मेरे पास कुछ फ्लावर्स रखे हैं, ये ऑरेंज, येलो और पिंक में ये लीफ है, और ये छोटे छोटे इसके स्टेमल्स, ये भी खुद ही बनाया है हमने डो से। इसके अलावा हमें ब्राउन डो चाहिए और वाइट ग्लू। तो फिर आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये ब्राउन डो है, हम सबसे पहले पेट्रोलियम जेली हाथ में लगाएंगे, और फिर इसके बारीक बारीक से स्ट्रिप्स बनाएंगे। सबसे पहले आपको ये डो बराबर में रखना है, और इन दोनों को इस तरह से टर्न करना है। जैसे इसी तरह हमें दो तीन स्ट्रिप्स में Thank you.
खूबसूरत मग रेडी है। अब आप इसको बहुत सारे यूजेस में लेकर आ सकती हैं। चाहे तो सबसे पहले तो आप इसको अपने घर में डेकोर कर सकती हैं, अपनी ड्रेसिंग टेबल पे रख सकती हैं, मेकअप ब्रशेस इसके ऊपर रख सकती हैं, और फिर बच्चों के राइटिंग टेबल पर भी रख सकती हैं जहाँ पेन पेंसिल आप इसके अंदर डाल सकती हैं। उसके अलावा आपके घर में कोई इफ्तार पे आए या ईद पे आए उसको आप गिफ्ट दे सकती हैं, या फिर आप किसी के घर जाएं तो उनको गिफ्ट दें। इस दफ़ा मैंने इस रमज़ान में ये किया कि जो जो लोगों ने मुझे इनवाइट किया इफ्तार पे, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ बना के लेके गई, चाहे वो डेकोर हो, डेकोरेशन पीस हो, या कोई ज्वेलरी हो, या कोई मनी पाउच हो। बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं अपने हाथ से बनी हुई चीज़ को। तो रमज़ान तो अब आहिस्ता आहिस्ता गुजर ही रहे हैं, ईद पे आप ये करके ज़रूर देखिएगा, बहुत अंदर से खुशी होगी। यू फील इट। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगी। थैंक यू वेरी मच।